स्ट्रॉबेरी का हार्वेस्टिंग करते हुए अपन अररिया में स्ट्रॉबेरी का लाइब्रेरी छोड़े भाई, और इधर भी हार्वेस्टिंग हो रहा है भाई, बहुत अच्छा टेस्ट है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज संडे 17 मार्च है भाई। आज हम लोग जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी का खेती को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि हमारे हरियावारा के पास ही है, अररिया में। और गाइस, हमारी नेक्स्ट वन निकल चुकी है, इसमें पुन्नू और रविंद्र प्रशांत ऑलरेडी एग्जिस्ट है। गाइस, आज का भी ब्लॉग बहुत फनी होने वाला है, क्योंकि हमारे अररिया में स्ट्रॉबेरी का खेती आ गया है भाई। अररिया का चंद्रा चौक का बजरंगबली है, पटना का मॉडल का मंदिर है भाई, और हम लोग जा रहे हैं नहर पकड़ के टोल टैक्स की ओर। आज तक गाइस हम लोग वीडियो में देखते थे स्ट्रॉबेरी का खेती, आज हम लोग रियल में देखेंगे स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे किया जाता है, और उसका आनंद लेंगे, हाथ से छुएंगे भाई, टपाटप खाएंगे भी। आपसे स्ट्रॉबेरी गार्डन, आपके सारा अररिया की हरियाबाड़ा में पहली बार स्ट्रॉबेरी की खेती। हे गाइस, अब हम लोग पहुंच चुके हैं स्ट्रॉबेरी की खेती के पास, अभी दिखाते हैं यहाँ का गार्डन। आप ये रहा मस्त गार्डन, अभी सुबह का 8:30 बजने जा रहा है, और इधर हुंडा भी चल रहा है भाई, पानी पटवन हो रहा है भाई, इधर बड़ा बड़ा आम का पेड़ भी है, और स्ट्रॉबेरी का दुकान खुला हुआ है यहाँ पे भाई। सबसे पहले आपको दर्शन करवाते हैं तोड़ा हुआ स्ट्रॉबेरी का। ये देखिए स्ट्रॉबेरी तोड़ के रखा गया है बेचने के लिए। उद्यान निदेशालय कृषि विभाग का बोर्ड भी लगा हुआ है इधर। स्ट्रॉबेरी खरीदने आते हैं तो यहाँ फोन पे का भी सुविधा है, कैश नहीं है तब भी आप ले सकते हैं। ये भैया जी का कुटी है। रघुनंदन ब्लॉक में खुशियों का लहर दौड़ चुका है गाइस, क्योंकि हम लोगों ने ढूंढ लिया है अररिया में अपना स्ट्रॉबेरी का खेती, जो कि टोल टैक्स से जस्ट 1 किलोमीटर आगे मस्जिद के पास हाईवे का पश्चिम साइड में है। आपको दर्शन करवाते हैं अब स्ट्रॉबेरी, जो कि लाल लाल फरा हुआ है भाइयों। ये रहा गाइस स्ट्रॉबेरी, आप देख सकते हैं यहाँ भाई, व्हाट 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 गाइस, ये स्ट्रॉबेरी लगभग यहाँ पे 1 एकड़ में लगा हुआ है। अभी छूना नहीं मुझे गाइस, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, आप लोग यदि इस बगान में आते हैं तो स्ट्रॉबेरी को छूना मत, सिर्फ देखना। आफिया स्ट्रॉबेरी गार्डन है ये, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का हार्वेस्टिंग हो रहा है, ये भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे भैया लोग हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, और गाइस आपको मिलाते हैं हमारे छोटे भैया जी से, जो अभी स्ट्रॉबेरी का हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। भैया जी आप अपना नाम बताइए पहले। मोहम्मद शाहजमान। कहाँ से हैं आप? रहड़िया। कब से लगा है ये खेती? 6 महीने। पूरा प्रोसेस आपको मालूम है इसको कैसे लगाया? लगाने के बाद आया। अच्छा ठीक है, इसका जानकारी हम ऑनर से ले लेंगे। और गाइस इधर से थोड़ा कस्टमर भी आ गया है, 10 रुपया 20 रुपया का स्ट्रॉबेरी खरीदने के लिए। ये देखिए गाइस, झाड़ का झाड़ फड़ा हुआ है भाई। ये रहा अपना स्ट्रॉबेरी गाइस, छूने में तो बहुत मजा आ रहा है। ये थोड़ा सा पका है, ये ज्यादा पक गया, और देखिए स्ट्रॉबेरी का फूल इस तरह से होता है व्हाइट। आज हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ का ऑनर से मिलने का, और उनसे थोड़ा प्रोसेस भी जानेंगे कैसे लगाया जाता है, क्या क्या इसका प्रोसेस, कैसे इसका पालन पोषण किया जाता है। और गाइस ये जो पाइप आप देख रहे हैं, ये ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है इसमें, और गाइस इसमें सिंचाई भी हो रही है एक साइड से। इधर से हार्वेस्टिंग हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारा पका हुआ है। हम लोग खा के भी थोड़ा टेस्ट करेंगे स्ट्रॉबेरी का टेस्ट कैसा है भाई। अपना अररिया का स्ट्रॉबेरी मीठा है कि खट्टा है, कड़वा है, तीता है? मनोज कुमार जी, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का हार्वेस्टिंग करते हुए मन में बहुत ज्यादा खुशी भा रहा छोरे भाई, अपन अररिया में स्ट्रॉबेरी, अपन अररिया में स्ट्रॉबेरी का लाइब्रेरी छोरे भाई। सुबह सुबह एक एक पन्नी खरीद के लेके जाइए, खाइए, स्वास्थ्य को बढ़ाइए। और इधर भी हार्वेस्टिंग हो रहा है भाई, स्ट्रॉबेरी का हार्वेस्टिंग गाइस सुबह सुबह ही किया जाता है। अभी इसका हार्वेस्टिंग करके इसको मार्केट भेज दिया जाएगा। कल शाम में हम लोग को पता चला कि अपना अररिया में स्ट्रॉबेरी का खेती किया जा रहा है, तो हम लोग सुबह 6 बजे जगे हैं, रेडी होके चल दिए थे, और अभी 8:30 बजे पहुंच चुके हैं। और गाइस इधर कुकम्बर भी लगा हुआ है, शायद इसमें पहले बंधा गोभी लगा हुआ था, जो कि अभी समाप्ति की ओर जा रहा है। और इधर कुकम्बर लगा है भाई लाइन लाइन से, इसके बीच में फिर बनाया जाएगा बांस का। और गाइस स्ट्रॉबेरी टेस्ट किया जा रहा है प्रशांत के द्वारा, खा के बताइए कैसा टेस्ट है इसका। बहुत अच्छा टेस्ट है। मीठा है कि नहीं? मीठा लग रहा है। चीनी जैसा? अभी धोए नहीं है इसलिए थोड़ा सा बालू टाइप का भी लग रहा है। टेस्ट अच्छा है। हम लोग टेस्ट भी कर चुके हैं इसका गाइस, बहुत मीठा है। आप लोग आइए यहाँ से खरीद के लेके जाइए, बोरा का बोरा आइए, अपना स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बढ़ाइए। अभी हम लोग भी खरीदेंगे भाई, आपके पास कैश नहीं है यहाँ पे फोन पे का भी सुविधा है, सुबह सुबह आइए मॉर्निंग वॉक करते करते और खरीद लीजिए। और गाइस ये जो आप ऑन लगा हुआ देख रहे हैं मकई, ये नॉर्मल मकई नहीं है भाई, ये स्वीट कॉर्न है। और साइड में फूल भी लगाया गया है, फूल इसलिए लगाया जाता है कि कीड़ा उड़ा जो फूल पे आकर्षित रहे और स्ट्रॉबेरी को कोई नुकसान ना करे। और इधर दूर दूर तक सिर्फ स्ट्रॉबेरी ही लगा है रे भाई। गाइस ये जो बांध आप देख रहे हैं, ये ट्रैक्टर से बनाया जाता है, इसके ऊपर ये जो पन्नी लगा हुआ है इसको मल्चिंग पेपर बोलते हैं। ये पन्नी लगाने का फायदा ये है कि इसमें जंगल नहीं आएगा और पौधा सेफ रहेगा। पहले मल्चिंग पेपर को बिछाने के बाद इसमें गरम कोई लोहा से ऐसे ऐसे छेद किया जाता है, उसके बाद पौधा लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कहीं जंगल नहीं है, बीच में थोड़ा बहुत जंगल रहेगा, इसमें पानी रिलीज किया जाता है। ऐसा ही खेती करने का अपना भी सपना है गाइस, वो भी जल्दी पूरा होने वाला है, अपना फॉर्म रेडी होगा 2025 तक।
स्ट्रॉबेरी के खेत में गाइस खूब मजा ले चुके हैं हम लोग। अब जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं स्ट्रॉबेरी को कैसे पैक करके मार्केट भेजा जाता है। ये देखिए, डब्बा में भर के इस तरह से पैक किया जाएगा, फिर अररिया पूर्णिया फारबिसगंज मार्केट ट्रांसफर किया जाएगा। गाइस एक डब्बा 100 रुपया का है। आप यहाँ फॉर्म पे आते हैं, मन पसंद का दाना ले सकते हैं, खेत में तोड़ के लेना है तोड़ के ले सकते हैं। एक डब्बा का 100 रुपया लगेगा, मार्केट में भी 100 रुपया मिलेगा लेकिन इतना अच्छा नहीं मिलेगा, वहाँ 120 रुपया भी मिलता है जब ये मोटा दाना लीजिएगा। कितना मुझे मिला है खाने के लिए, ज्यादा ही पक गया है भाई, जम्मी जम्मी। गाइस एक अलग ही टेस्ट है। ये अभी खेत चलाया गया है टोकरी में भर के, और इधर पैकिंग हो रहा है फटाफट, क्योंकि अभी 9 बजने वाला है, इसको मार्केट भेजना है। यहाँ का खरगोश भी स्ट्रॉबेरी खाती है। ये देखिए भाई, ये देखिए गजब का रईसी है भाई, स्ट्रॉबेरी खा रहा है। और गाइस इधर इतना बड़ा स्ट्रॉबेरी का फोटो लगा हुआ है, और इधर थोड़ा फुलवाड़ी भी है, और चल रही है हुंडा पानी के लिए भाई। तो ये पूरा प्लॉट 3 एकड़ में 7.5 बीघा का प्लॉट है, जिसमें कि आपका स्वीकॉर्न स्ट्रॉबेरी फूल और लहसुन प्याज सब कुछ लगा हुआ है। इतना मनमोहक है ये आफिया गार्डन की छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। दिन का 10 बजने जा रहा है लगभग, में हम लोग सब कुछ देख ही लिए हैं। अब कुछ ही क्षण में हम लोग यहाँ से विदाई लेंगे, अब हम लोग यहाँ बराबर आते रहेंगे मन को सुख देने के लिए। और इधर हमारी नेक्सन खड़ी है। और गाइस ये जो बांध आप देख रहे हैं मिट्टी का, ये बांध नहीं है भाई, ये रेलवे लाइन निकल रहा है अररिया से डायरेक्ट सिलीगुड़ी, अररिया टू बंगाल लाइन निकल रहा है। इधर हो गया आपका अररिया आरएस स्टेशन से निकल रहा है, और इधर जाएगा सीधे बंगाल। गाइस इसका फार्म, ये जो मकान आप देख रहे हैं, मकई जहां से स्टार्ट है वहां से लेके आप सीधे आ जाइए जहाँ ये आम का पेड़ लास्ट हुआ है। ये पूरे फार्म 7.5 बीघा में है। बाय बाय आफिया फार्म। अब इस फार्म को छोड़ के हम लोग जा रहे हैं गाइस, हमारी नेक्सन अब बैक हो रही है। हे गाइस, अब हम लोग फार्म से निकल चुके हैं, नहर वाला रोड पे छियो भाई। और एक जानकारी के लिए आपको बता देंगे, स्ट्रॉबेरी लगाने का टाइम जो है नवंबर है, और स्ट्रॉबेरी का पौधा आता है बीच नहीं, एक पौधा 18 रुपये पड़ता है, प्लस उसमें आपको हो गया भाड़ा, मई से बिहार अररिया लाने का भाड़ा लग जाएगा, एसी कंटेनर में आता है। आप नवंबर में लगाते हैं स्ट्रॉबेरी तो 1 जनवरी से फल देना स्टार्ट कर देगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीना एकदम से धुराझाड़ फल देगा। खूब खाइए, खूब बेचिए, खूब इंजॉय कीजिए, अप्रैल लास्ट में खत्म हो जाएगा, फिर नवंबर में लगा देना, फिर स्ट्रॉबेरी खाएंगे भाई। गाइस अब हम लोग आ चुके हैं आफिया स्ट्रॉबेरी गार्डन से, एक फल स्ट्रॉबेरी देखने के बाद खाना पीना खाए फिर मिले रे भाई। ये गाइस जिंदगी हो गया झंड, अब दे रहे हैं 4 फाइल नाश्ता हम लोग। आलू चॉप है, ये बैगनी है, और गाइस इधर नाश्ता चल रहा है। अब आपसे मिलते हैं दिल खोल के नाश्ता के, सो के जग गया हूँ, अब 2 फाइल काम करना है, उसके बाद चलना है मीट रोटी का व्यवस्था करने के लिए। इधर हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट कर दिए हैं भाई काम करने के लिए, और इस पे देंगे धूमधाक होली का गाना। हे गाइस रात का 7:30 बज चुका है, और आज हम लोग खाना में बनाने जा रहे हैं मटन, और हमारे साथ है रविंद, इधर लग रहा है हमारा भट्टी। तो गाइस पहले हम लोग कटाई करेंगे प्याज और लहसुन अदरक का, 700 ग्राम प्याज है और 100 ग्राम लहसुन है, 25 ग्राम अदरक है, 400 तेल डला रहा है गाइस। अब जा रहा है गाइस इसमें जीरा, तेज पत्ता, सूखा मिर्च, हे गाइस मीट बंद के रेडी हो चुका है। अब समर की घड़ी तोड़ते हुए हम लोग जा रहे हैं मीट रोटी का गर्दा गोल करने। गाइस मीट रोटी लग चुका है थाली में, सलाद है भाई, सलाद लाने गया है अभी। आपसे मिलते हैं 4 फाइल मीट रोटी और चावल देखेगा प्लीज। 2 फाइल मीट रोटी लेने के बाद अब चलती है रोड पे टहलने के लिए। आज का ब्लॉग इसी रोड पे चलते चलते समाप्त करने का अनुमति चाहते हैं। मिलते हैं आपसे एक नया ब्लॉग में कल नया उमंग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दबा दबा के लाइक कीजिए, दबा दबा।